So before moving forward, let us look what will we talk in this paper. So electronics and communication first में हम बात करेंगे microwaves की. Microwaves क्या होती है, इसका use कहाँ किया जाता है and many other microwave devices which are widely used in various areas. So first of all, let us talk about the microwaves. तो देखिए माइक्रोवेव क्या होती है. माइक्रोवेव इज अ टर्म विच डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 1 मीटर एंड द करेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी रेंज इज 300 मेगाहर्ट्ज़ अप टू 30 गीगाहर्ट्ज़ फॉर 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ वेव्स. माइक्रोवेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करती है जिनकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर के रेंज की होती है और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की रेंज में होती है फॉर 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ. सो यहाँ पे हमने बात करी है माइक्रोवेव की डेफिनेशन क्या होती है. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रोवेव. आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोवेव की डिस्कवरी की, कि माइक्रोवेव की डिस्कवरी कब और कैसे हुई थी. तो सबसे पहले जेम्स क्लॉर्क ने 1864 में माइक्रोवेव्स को प्रेडिक्ट किया था बाय हिज इक्वेशन. सबसे पहले 1864 में जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल ने माइक्रोवेव्स को प्रेडिक्ट किया था. लेटर 1888 में हेनरिक ने उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बात की थी और एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया था जिसके द्वारा माइक्रोवेव को प्रोड्यूस उन्होंने किया था, साथ ही माइक्रोवेव रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सका था. बट अगर हम मेनली बात करते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोवेव, सो 1939 में पर्सी स्पेंसर नाम के एक पर्सन थे, वो वाज लीडिंग एक्सपर्ट इन द रडार ट्यूब डिजाइन. देखिए 1939 में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पर्सी स्पेंसर नाम के एक पर्सन थे जो कि रडार ट्यूब डिजाइन में एक बहुत ही वेल नोन एक्सपर्ट पर्सनैलिटी थी. 1939 के आसपास रडार का बहुत ही एक इमर्जिंग फील्ड थी और रडार का काम हम यूज में लेते थे टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द एनिमीज शिप्स एटसेट्रा. सो पर्सी स्पेंसर एक रेथो नाम की कंपनी में काम करते थे एज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ही वॉज वर्किंग देयर एज चीफ पावर ट्यूब डिविजन. सो पर्सी स्पेंसर ने रेथियन की बहुत बड़ी हेल्प की थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से अ लॉट ऑफ कॉम्बैट रडार इक्विपमेंट के लिए, कुछ उन्होंने यहाँ पे उनको एक प्रोजेक्ट्स दिलवाए थे. सो उसी दौरान पर्सी स्पेंसर माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल के डेवलपमेंट के लिए मैग्नेट्रॉन्स पर काम कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने माइक्रोवेव के जनरेशन के लिए मैग्नेट्रॉन्स का यूज किया था. सो बेसिकली उस टाइम पे माइक्रोवेव के जनरेशन के लिए मैग्नेट्रॉन्स यूज लिए जा रहे थे और जो माइक्रोवेव सिग्नल्स थे वो रडार में काम में लिए जा रहे थे. सो एक दिन जब पर्सी स्पेंसर मैग्नेट्रॉन के पार्ट्स को पंचिंग आउट कर रहे थे, सोल्डरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने यह नोटिस किया कि इस काम के दौरान उनके पॉकेट में रखा हुआ कैंडी बार पिघल गया था. सो इट वॉज सरप्राइजिंगली नोटेड बाय पर्सी स्पेंसर और उन्होंने यहाँ पे एक चीज नोट की, अभी तक वो माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज कर रहे थे रडार में, बट यहाँ पे उन्होंने माइक्रोवेव की इस हीटिंग कैपेसिटी को उन्होंने आइडेंटिफाई किया. सो पर्सी स्पेंसर वॉज नॉट फर्स्ट टू नोटिस दिस फिनोमिना. पर्सी स्पेंसर एक ऐसे फर्स्ट पर्सन नहीं थे जिन्होंने इस फिनोमिना को नोटिस किया था, बट उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले पॉपकॉर्न कुक किए थे. सो रेथॉन नाम की जो कंपनी जिसके लिए वो काम करते थे उन्होंने एक पेटेंट फाइल्ड किया ऑन October 8, 1945, जिसमें उन्होंने माइक्रोवेव कुकिंग ओवन के लिए पेटेंट फाइल किया था और उस कुकिंग ओवन का नाम रखा गया था रडार रेंज. सो पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव की इस प्रॉपर्टी को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था जिसके कारण से हम माइक्रोवेव कुकिंग ओवन को आज हम देख पा रहे हैं. सो बेसिकली इट वाज डेवलप्ड बाय देम एंड फॉर दैट इट वाज देयर इज अ पेटेंट फॉर दैट. सो अभी हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले माइक्रोवेव्स को प्रेडिक्ट किया था जेम्स क्लॉर्क मैक्सवेल ने 1864 में, अपनी उन कुछ इक्वेशंस में उन्होंने इसके एग्जिस्टेंस की बात की थी और उसके बाद में 1888 में हेनरिक ने यह प्रूव किया था कि माइक्रोवेव्स एग्जिस्ट करती है, जिसमें उन्होंने एक डिवाइस बताया था जिसके द्वारा उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, साथ ही उनको डिटेक्ट भी किया था. सो यहाँ पर अभी हमने बात करी है माइक्रोवेव्स के डिस्कवरी के बारे में.
सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर हम जो फिगर देख रहे हैं ये फिगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव्स की कैटेगरीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट पार्ट, दिस इज द रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को दो कैटेगरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी और सेकेंड होता है वेवलेंथ के टर्म में। सो देखिए हमने यहाँ से जो हम राइट मोस्ट टू लेफ्ट मोस्ट पार्ट में जा रहे हैं वहां पे हमने देखा है इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के टर्म में। सो अगर हम रेडियो वेव से स्टार्ट कर रहे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड इन द लास्ट देयर इज द गामा रेज। सो ये इनका एक फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हमने इनको देखा है, और हम वी वेल नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ हमारे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ में डिक्रीमेंट ऑब्जर्व हो रहा है। लाइक 10^6, 10^3, 10^0 एंड वी गोज अप टू द 10^-15 मीटर। सो ये हमने फ्रीक्वेंसी की बात करी है, तो ऊपर हमने जो स्केल देख रहे हैं दैट इज इन द वेवलेंथ इन मीटर्स। सो हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस रीजन की बात करेंगे, एंड दैट रीजन इज नोन एज द माइक्रोवेव। सो माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है जिनमें उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज की, और इनकी अगर हम वेवलेंथ की बात करते हैं सो इट इज शोन एज हियर 10^0 टू द 10^-3 मीटर। 10^0 is the 1 meter and that is the 1 millimeter. So it is its wavelength range and it is its frequency range. So microwave region lie between the infrared region and the radio waves. So in this paper we will talk about this part of the spectrum, that is the microwave. आगे हम बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी बैंड डेजिग्नेशन की। देखिए अभी हमने बताया कि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी की रेंज है 300 मेगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज, बट हमने यहाँ पे उस रेंज को अलग अलग बैंड्स में डिफाइन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे इस माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी की रेंज को इन बैंड्स के बेसिस पे अलग अलग वेरियस फील्ड्स में हम इसको यूज में लेते हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस टाइप से हम इसको यूज लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लाइक 500 टू 1 मेगाहर्ट्ज की। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको हमने नाम दिया ओल्ड कैटेगरी एंड देयर इज अ न्यू डेजिग्नेशन आल्सो कैटेगराइज फॉर दीज बैंड्स एंड इट इज नोन एज अ VHF. VHF स्टैंड्स फॉर द वेरी हाई फ्रिक्वेंसी एंड विच इज नेम्ड एज द C. इफ वी मूव फॉरवर्ड टू द अनदर बैंड विच इज कैटेगराइज बिटवीन द रेंज ऑफ द 1 to 2 GHz. सो 1 to 2 GHz के बैंड को ओल्ड कैटेगरी में L बैंड कहते हैं और न्यू कैटेगरी में D बैंड कहते हैं। सो इस प्रकार से यहाँ से 1 GHz से लेकर के हम यहाँ देख सकते हैं 40 GHz तक की रेंज को हमने अलग अलग बैंड्स में डिवाइड किया है, और हमने उन बैंड को दो कैटेगरी में नाम दिया है, एक है ओल्ड कैटेगरी और दूसरी है न्यू कैटेगरी। आगे हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बैंड डेजिग्नेशन की, और साथ ही हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे टिपिकल सर्विसेज की कि हम इन बैंड्स को किन किन एरियाज में यूज लेते हैं, या हम यहाँ ये कह सकते हैं इनके एप्लीकेशंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो देखिए 3 to 30 kHz के फ्रीक्वेंसी बैंड को हमने यहाँ नाम दिया है वेरी लो फ्रिक्वेंसी, इट इज नोन एज द VLF, इट मीन्स वेरी लो फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के इस बैंड को हम यूज लेते हैं नेविगेशन एरिया में। सेकेंड बैंड इज नोन एज द 30 to 300 kHz एंड इट इज नोन एज द LF. LF स्टैंड्स फॉर द लो फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को यूज में लिया जाता है रेडियो सिग्नल के लिए और नेविगेशनल एड्स के लिए। अनदर बैंड इज द 300 to 3 kHz एंड इट इज नोन एज द MF. MF stands for the medium frequency. और medium frequency को हम use लेते हैं basically direction finding के लिए, broadcasting के लिए और coast guard communication system के लिए। Another band is in the terms of the megahertz, यानी 3 to 30 MHz. तो 3 to 30 MHz के range को हम कहते हैं high frequency, which is the HF. और इस frequency band को use लिया जाता है telephone, telegraph, short wave, international broadcasting के लिए and ship to coast and ship to aircraft communication के लिए।
हम आगे बढ़ते हैं 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक के बैंड को नाम दिया गया है VHF, दैट इज अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हमने देखा था इट वॉज अ वेरी लो फ्रिक्वेंसी एंड इट इज अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। वेरी लो फ्रिक्वेंसी था 3 to 30 किलो हर्ट्ज, बट जब हम बात करते हैं 30 to 300 मेगाहर्ट्ज की तो इसे कहा जाता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। और इस फ्रिक्वेंसी का यूज में लिया जाता है टेलीफोन, टेलीविजन के लिए एंड पुलिस टैक्सी के मोबाइल रेडियो, इन कैटेगरी में हम इसको यूज लेते हैं। अनादर बैंड इज कम्स द 300 to 3000 मेगाहर्ट्ज, इसको नाम दिया जाता है UHF, दैट मीन्स फॉर द अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी को यूज में लिया जाता है टेलीविजन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए और रडार नेविगेशनल एड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, जब हम गीगाहर्ट्ज की रेंज की बात करते हैं तो 3 to 30 गीगाहर्ट्ज को हम कहते हैं SHF। SHF का मतलब है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, और इस सुपर हाई फ्रिक्वेंसी को यूज में लिया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रोवेव लिंक्स के लिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अनादर बैंड इज द 30 to 300 गीगाहर्ट्ज, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी, दैट इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट इज एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी, और इसको यूज में लिया जाता है रडार पर्पज से। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी है माइक्रोवेव के फ्रिक्वेंसी बैंड को अलग अलग कैटेगरीज में नाम दिया गया है, अलग अलग बैंड्स के बेसिस पे हम इनका अलग अलग एरियाज में इसको यूज में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं माइक्रोवेव एप्लीकेशंस की, कि माइक्रोवेव का यूज कहाँ कहाँ किन किन एरियाज में किया जाता है। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट दैट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग वॉज ऑलमोस्ट सिनोनिम्स विद रडार इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ ग्रेट स्टाइमुलस गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोवेव सिस्टम बाय द नीड फॉर हाई रिजोल्यूशन रडार। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान और उसके कुछ समय बाद तक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को हम ऑलमोस्ट रडार इंजीनियरिंग के फॉर्म में जाना जाता था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज्यादा नीड थी ऐसे हाई रिजोल्यूशन रडार्स की, जो कि अपने शत्रुओं के प्लेन्स और उनकी शिप, उनके जहाजों को डिटेक्ट कर सके, उनको लोकेट कर सके। सो इसके लिए उस टाइम पे हाई रिजोल्यूशन रडार की जरूरत थी, और उसका डेवलप किया गया था माइक्रोवेव सिस्टम के द्वारा। सो मेनली अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उसके कुछ समय बाद तक, सो मेनली माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का यूज किया जाता था रडार डेवलपमेंट के लिए एंड टू डेवलप द हाई रिजोल्यूशन रडार। और आज भी हम रडार का यूज करते हैं, रडार में माइक्रोवेव का यूज किया जाता है एंड मेनी मोर रडार्स आर डेवलप्ड लाइक मिसाइल ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल रडार एक्सेट्रा, जो कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के काफी पार्ट को यूज में लेती है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी हैव आल्सो कम इनटू द वाइड स्प्रेड यूज इन कम्युनिकेशन लिंक। देखिए माइक्रोवेव का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए भी, हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के रेंज का यूज में लिया जाता है। और थर्ड जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ कम्युनिकेशन बाय द माइक्रोवेव इन द टर्म्स ऑफ द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन द टेली स्टार सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन जुलाई 1962 में टेलीस्टार नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया गया था एंड इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ लाइव टेलीविजन प्रोग्राम। और इसके द्वारा पहले लाइव टेलीविजन प्रोग्राम का टेलीकास्ट किया गया था यूएसए से लेकर के यूरोप तक। आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अलावा भी हमने काफी सारे ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं जिनके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक डेटा कलेक्ट करते हैं और साथ ही वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्ट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज किया जाता है, जिसमें हम सी बैंड का यूज करते हैं। और इस सी बैंड में यूज होने वाली अपर फ्रिक्वेंसी होती है 5.9 से लेकर के 6.4 गीगाहर्ट्ज तक, और रिसीविंग यानी सिग्नल को जो हम रिसीव करते हैं उसकी डाउन फ्रिक्वेंसी हो सकती है 3.7 से लेकर के 4.2 गीगाहर्ट्ज की रेंज में। बट नाउ अ डेज द मोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम आर द शिफ्टिंग। बट हम आज क्या कर रहे हैं, बहुत सारे हम डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल को हम सीधे ही डिजिटाइज कर देते हैं, उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं ट्रांसमिशन से पहले, वो भी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, अब हम एक बात मेन ऑन करते हैं, आप सभी जानते हैं माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में। सो द डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स, जो घरों में जो माइक्रोवेव ओवन यूज में लिया जाता है फॉर कुकिंग पर्पज,
वो ऑपरेट किया जाता है 2450 मेगाहर्ट्ज़ पे, और यहाँ पे मैग्नेट्रॉन ट्यूब आती है जो आप पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में आपके सिलेबस में है। इस मैग्नेट्रॉन ट्यूब का यूज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ द माइक्रोवेव, जिसकी पावर आउटपुट होती है 500 से लेकर के 1000 वॉट तक। ये भी हमने बात करी थी डोमेस्टिक एप्लीकेशन की। अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हीटिंग एप्लीकेशन इसका यूज किया जाता है, जैसे कि ड्राइंग पर्पज से, ग्रेन पर्पज से, पेपर प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पे जो हम फ्रिक्वेंसी यूज लेते हैं माइक्रोवेव के, दैट इज कम्स इन बिटवीन द रेंज ऑफ द 915 टू द 2450 मेगाहर्ट्ज। अभी हमने यहाँ पर बात करी है माइक्रोवेव के डिस्कवरी की, माइक्रोवेव के बैंड्स जिनको अलग अलग बैंड्स में कैटेगराइज किया गया है, और साथ ही हमने यहाँ पे बात करी है माइक्रोवेव के एप्लीकेशंस की। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करते हैं वेव गाइड्स की। ठीक है, माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसमिशन केबल्स या ट्रांसमिशन लाइंस को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है, और जब बात की जाती है गीगाहर्ट्ज के लेवल की तो ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा हम उनका सक्सेसफुल ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, क्योंकि उस केस में पावर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। माइक्रोवेव के ट्रांसमिशन के लिए हम अलग टाइप के डिवाइस को यूज लेते हैं, और उस डिवाइस को कहा जाता है वेव गाइड। अब हम आगे बात कर रहे हैं वेव गाइड की, कि वेव गाइड क्या होते हैं। अ मेटलिक ट्यूब कैन बी यूज टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट दीज फ्रिक्वेंसी। जब हम बात कर रहे हैं गीगाहर्ट्ज की, तो गीगाहर्ट्ज के लेवल पे माइक्रोवेव एक टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसमिशन के लिए एक मेटलिक ट्यूब यूज में ली जाती है। वेवगाइड की डेफिनेशन हम कैसे देते हैं, अ हॉलो मेटलिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय सक्सेसफुल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड अ वेवगाइड। वेवगाइड एक खोखली धातु की एक ट्यूब होती है, जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, और इसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है, और ये ट्रांसमिशन होता है उस मेटलिक ट्यूब की इनर वॉल से सक्सेसफुल रिफ्लेक्शंस के कारण। अब देखिए, यूजुअली हमने यहाँ पे बात करी है कि जब हम बात करते हैं हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी की, तो गीगाहर्ट्ज के लेवल की, हम यूज में लेते हैं वेव गाइड, एंड इट इज यूज एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रांसमिशन लाइन। TMTE और TEM मोड क्या होता है, इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। हम यहाँ पे कहते हैं कि जो वेवगाइड की दीवारें होती हैं उसमें पावर लॉस कम हो, इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो वेवगाइड की दीवारें होती हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम से कम हो। इसीलिए यूजुअली वेवगाइड की इनर सरफेस को कोट किया जाता है गोल्ड और सिल्वर से, ताकि उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए और उसके अंदर होने वाले, उसके वॉल पे होने वाले पावर लॉसेज मिनिमाइज हो जाए। बट क्योंकि वी नो इट दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी मच एक्सपेंसिव, उस केस में हम यहाँ पे कॉपर यूज में लेते हैं, और वेव गाइड आर जनरली एयर फिल्ड। देखिए, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव गाइड की, कि वेव गाइड कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, वैसे तो हम वेव गाइड बहुत सारे शेप के होते हैं, एनी शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेव गाइड कैन सपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट हम जानते हैं कि इरेग्युलर शेप को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मेनली रेक्टेंगुलर और सर्क्यूलर वेव गाइड्स यहाँ पे कॉमनली यूज लिए जाते हैं। ये देखिए, हमने आगे फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक वेव गाइड है, ये वेव गाइड है रेक्टेंगुलर शेप का। हमने क्या कहा था, वेव गाइड की डेफिनेशन में दी थी अ हॉलो मेटलिक ट्यूब ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास में खोखली ट्यूब है जिसका एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ये अंदर से पूरी खोखली है जिसमें हम एयर भरी हुई है, और इसके जो अंदर की दीवारें हैं ये कॉपर कोटेड है, कॉपर वॉल्स है यहाँ हमने लिखा है, और इसके अंदर के थिनर सर्फेस पे हम लाइनिंग देखते हैं AU और AG की। यहाँ पे ये जो A है ये इस वेव गाइड की ब्रेथ को बता रहा है, B इसकी विड्थ को बता रहा है, और ये जो इसका डायमेंशन होगा ये इसके लेंथ को बताता है। इट इज द लेंथ, इट इज द ब्रेथ, एंड इट इज द विड्थ इज B। हमने यहाँ पे इसका टॉप व्यू बताया है इस
वेवगाइड का। सो हम यहाँ पे क्योंकि शेप देख रहे हैं इसकी, एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सो आगे हम भी हमने बताया था कि वेवगाइड के अलग अलग शेप को यूज में लिया जा सकता है, बट क्योंकि इरेग्युलर शेप को आगे एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सो मेनली हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप, सर्कुलर शेप और इलिप्टिकल शेप की बात करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है इट इज अ सर्कुलर वेवगाइड, ये हमारी एक वृत्ताकार यानी जिसे सर्कुलर शेप की कैविटी होती है जिसको हम वेवगाइड कहते हैं। इट इज अ इलिप्टिकल टाइप वेवगाइड। आगे हमने बताया सिंगल रिज्ड एंड डबल रिज्ड वेवगाइड। सो यहाँ पे अभी हमने बात की थी वेवगाइड्स की और वेरियस टाइप्स ऑफ वेवगाइड्स की, आगे हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।